लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को, आपके साथ राइड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि हमेशा मैं आप ही के साथ जुड़ा रहूँ। थैंक यू यार, थैंक यू आपका, क्योंकि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि जैसे मेरे को छोटे भाई की तरह हर चीज़ में मेरी हेल्प करी, बैग में क्या, थाने में क्या, सब चीज़ में मेरे को आपने हेल्प करी। मेरे पास सिर्फ 150 रुपये थे, उसके बाद भी आप मेरे को आंसू आ रहे हैं। नहीं नहीं लेकिन आपने मेरी बहुत हेल्प की। नहीं यार यार, ये तो अपनी, यही तो ब्रदरहुड है राइडिंग का। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। तो गाइस, जैसे पता है हम पदुम में, कल भी हम पूरा दिन स्टे लिया, परसों हम पहुंचे थे पदुम में, लेकिन हमारे राज भाई, यशराज भाई का बैग नहीं मिला। कल हम गए थे वहाँ पे पूर्णे में वापसी, अमित भाई गए थे, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। वहाँ काफ़ी सर्च करिए, और वहाँ पे टेंटों में भी जो लेबर थी उनके भी, वहाँ जाके उनके बैगों की भी तलाशी ली, लेकिन नहीं मिला हमें बैग। तो हमने FIR करा दी है, उसकी कॉपी ले ली है, ताकि फर्दर कोई हमारी बाइक कोई कागज़ मांगता है तो हम दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं ले को, वाया सिरसिला पास, द लिंचेड मोनेस्ट्री वाला रूट है, और सिरसिला शेंगला पास, ये दो तीन पास आएंगे। और अभी 6:30 बज चुके हैं सुबह के, तो हम पैकिंग कर रहे हैं, ये भाई ने पैकिंग कर दी है, मेरी भी पैकिंग चल रही है, और अमित भाई की भी चल रही है। तो मैक्सिमम 1 घंटे में हम निकल जाएंगे, क्योंकि लंबा, आज का काफ़ी लंबा सफ़र है और रास्ता भी अनजान है, बहुत कम लोग जाते हैं इस रूट पे। जस्ट अभी चाय पी के निकलने वाले हैं, तो मैं यहाँ के होटल के ओनर से मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल हैं यार, बहुत ही इन्होंने कल हमारी हेल्प करी। अपनी गाड़ी में हमें पुलिस स्टेशन लेके 3-4 बार लेके गए, और फ़ोन पे इतनी इन्होंने हमारे आगे, जैसे पुणे में बात करनी थी, इन्होंने पूरी हेल्प करी हमारी। तो थैंक्स भाई, अपना बारे में बताएं। नाम तेंजिंग है। हेलो, तेंजिंग है इनका नाम, और होटल का नाम गस्तिक होटल है। गस्तिक होटल है, जो कि बिल्कुल मेन मार्केट में है, चौक पर ही है। तो कोई भी आए तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात करके आ जाएंगे, ठीक है भाई? पूरा डिस्काउंट देंगे और आपको पूरी हेल्प करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी भाई हेल्प करते हैं यार। थैंक यू यार आपका। तो गाइस, हम इस होटल में रुके थे, ये भाई हैं हमारे तेंजित भाई, और ये मार्केट का मेन चौक है, और इनकी पार्किंग है पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जय शंकर की जय, भोले करियो बेड़ा पार। और आज की हमारी राइड शुरू हो गई है, हम हैं अभी पदुम में, और अब जा रहे हैं ले की तरफ, और आज की राइड बहुत टफ होने वाली है, बहुत एडवेंचर होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो ये कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, हम गलती से आगे चले गए थे, तो भाई ने बताया यहाँ एक आगे ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करके सीधा आगे जाएंगे तो हाईवे मिल जाएगा। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और होगी आगे आगे समय में, रोड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी दिन चल रहा है, लेकिन लगेगा समय। अभी यहाँ तक टूरिस्ट में पहुँचने में भी 2-4 साल और लगेंगे, और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, ये सामने है करसा मोनेस्ट्री, कल मैं गया था यहाँ पे, और शाम को काफ़ी लेट हो गया था, 7 बजे के बाद गया था, जबकि 6 बजे कहते हैं मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। 10-15 किलोमीटर है, लेकिन ऊपर तक आपकी बाइक जाती है, ऊपर से जो व्यू है सारी अपने वैली का, पदुम का पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप अगर पदुम आए तो ये करसा मोनेस्ट्री, एक सनी विलेज है, वहाँ पर सनी लेक है, जहाँ से ग्लेशियर ज़मीन के अंदर से निकलता है, लेक बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जांगला 27 किलोमीटर है, जांगला के बाद शायद रोड कोई चेंज होगी। तो गाइस, जांगला में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे चेक पोस्ट आएगी, यहाँ पे आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, बाइक का नंबर, अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एंट्री करा के फिर आप आगे जा सकते हैं।
तो सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा है कि आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत कम मिलेगी। अभी तक हमें कोई वाटर क्रॉसिंग हल्की सी मिली है, एक इसके अलावा कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, एक सुमो और सफारी और जा रही है वहाँ पे ले, कह रहा भाई हम भी जा रहे हैं साथ ही। तो इस रूट पे कोई ना कोई साथ होता, दिल लगा रहता है और टेंशन नहीं रहती यार, कोई नहीं है इस रूट पे। तो ये व्यू दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। तो ये पीछे चेक पोस्ट है, तो अब हमने सीधे जाना है बिल्कुल, और ये माउंटेन को क्रॉस करते हुए, अभी तो सीधा रास्ता दिखा रहा है सामने, वो बिल्कुल सीधा वो आगे तक। अभी भाई से बात हुई थी सफारी वाले से, कह रहा है एक दो मिलेंगी वाटर क्रॉसिंग, लेकिन सुबह के टाइम पानी कम मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट, जिनकार इज आल्सो सो ब्यूटीफुल एज ऑलवेज लद्दाख। बाय बाय। अभी देखो पानी नहीं है सुबह सुबह, अगर हम दोपहर में आते तो ये पूरा भरा होता है, ये फ़र्क पड़ता है सुबह आने और लेट आने में। तो ये देखिए रास्ता कैसा है, पूरा पथरीला रास्ता है अभी तक, और 27 किलोमीटर तक तो बिल्कुल मक्खन मलाई हमें रास्ता मिला, उसके बाद ये ऐसा रास्ता हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रही है, दो चार साल में रोड की काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारी आर्मी की सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं। तो ये कोई कलीमा डेट है BRO का, यहाँ तक पहुँच गए हैं बिल्कुल रिवर के साथ साथ, और अभी हम वेट कर रहे हैं अमित भाई का। ये हमारी दोनों बाइक खड़ी हैं, ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा देख लो, क्या ख़तरनाक पहाड़ है ये। ओ हो हो हो। और जोगिंदर भाई हाय सर, ये फर्स्ट टाइम राइड पे आए हैं, इतनी ख़तरनाक राइड कर रहे हैं, और इनके साथ पंगा भी हो गया है। कोई बात नहीं सर, चलता है ये तो इतना। नहीं यार यार, ये तो अपनी, यही तो ब्रदरहुड है। राइडिंग का मतलब क्या है, हम अनजान लोग हैं, सिर्फ राइडिंग ने हमें मिलवाया सर। लेकिन राइड मैंने बहुत की है, लेकिन आप जैसे भाई नहीं मिले, लेकिन नहीं राइड करने के लिए बहुत बहुत बात आपके होती है। व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, हमारे भैया का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बहुत इंजॉय, और आपको एक एक चीज़ ये डिटेल में समझाते हैं, इतनी खूबसूरती दिखाते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लो भाई, ज़रूर करना है। थैंक यू, थैंक यू भाई। कलीमा ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय कर्नल राजीव सिंह कमांडर ऑन 17 अगस्त 2009। अच्छा, काफ़ी पुराना ब्रिज है, और ये देखो यार क्या गहरी खाई है, क्या ऊंचे पहाड़ हैं, काफ़ी पुराना ब्रिज है, और अब रिवर के साथ साथ जा रहे हैं। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, गामा मत बनिए लामा के देश में। इधर से ला ये ना, ये तेज, पत्थर में रुक गई थी तेरी, पत्थर में वही ना, प्रेशर में लाया कर प्रेशर में। तो फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, वो भी खतरनाक क्रॉसिंग कर ली है एक, जो हमने वो रिवर पार करी है, उसके बाद हमारा तो कॉन्फिडेंस इतना हाई है, अब हम निकाल देते हैं अपने बाइकों पे, हमें पूरा भरोसा हो गया कि बाइक निकाल देगी। गए हमने जाना उधर था, हम आगे इधर, और आगे रास्ता बंद है टी पॉइंट से, तो रास्ता ही नहीं। हाँ रास्ता बंद है, इधर उधर से जाना पड़ेगा। हाँ ये देखो फिर दोबारा हम उसी रास्ते से आगे, हाय
और ही 500 को हाल देखा, धक्के लगवा रही है, हे भगवान। तो गाइस ये तीसरी ही बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। देखिए बड़ी बहुत ही गहरी है और सक्सेसफुली हमने क्रॉस कर लिए हैं। बाकी हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं पीछे, राइडर्स जो क्रॉस करेंगे। तीनों राइडर्स ने बहुत ही आराम से ये बहुत ही बड़ी वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया है। इससे पहले आपने देखा हम गलत मोड पे चले गए थे जो रिवर के साथ साथ नीचे उतर गए थे, और लेकिन वो रास्ता भी बन रहा है, लेकिन वो अभी आगे बंद था तो वापसी हमें आना पड़ा। और अमित भाई की जो बाइक थी वो अटक गई थी तो मैंने काफ़ी धक्का मारा। और हाई अल्टीट्यूड में यही होता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं तो सांस चढ़ ही जाता है, आपने देखा है कितना मेरा सांस चढ़ गया था। तो अब हम इस माउंटेन के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं और ये कोई लिंचेड पास आएगा, अभी लिंचेड पास को हम क्रॉस करेंगे। और लास्ट 2 साल से ही ये नया रास्ता बना है, कितने सारे पिन बैंड्स हैं जिसको हम क्रॉस करके आए हैं अभी। और ये अमित भाई नीचे दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी पीछे हैं अमित भाई। हम माउंटेन के ऊपर पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त लिंचेड पास पे हम पहुंचने वाले हैं। और ये रास्ता देख लीजिए, बहुत ही नैरो रास्ता है, लेकिन ये लास्ट 2 साल पहले ही रास्ता खुला है। तो लिंचेड पास के बाद ये रास्ता नहीं था अपना पदुम जाने के लिए, लेकिन ये 2 साल पहले ही रास्ता नया बनाया गया है और काफ़ी अच्छा रास्ता है, लेकिन काफ़ी क्लाइम करना पड़ता है आपको इसके लिए। आपकी बाइक बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं लिंचेड पास, ये देखिए लिंचेड पास में पहुंच गए हैं जो कि है 14,500 फीट की हाइट पे। यहाँ पे कहीं भी आइस नहीं मिल रही, बर्फ नहीं है कहीं भी, स्नो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और हमें 1 आवर लग गया पूरा माउंटेन को क्लाइंब करने में। तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम मॉर्निंग से बाइक राइड कर रहे हैं, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया मेजर, और 3-3 वाटर क्रॉसिंग को हम क्रॉस करके आए हैं। तो अब थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेके फिर आगे चलेंगे हम। समय हुआ है 11:30 और हमने फर्स्ट जो पास है क्रॉस किया, ये सामने है, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और ये अमित भाई सुस्ती अपने निकाल रहे हैं और जोगिंदर भाई, और ये देखिए पीछे लिंचेड, ये लिंचेड गांव है और लिंचेड मोनेस्ट्री है इस तरफ। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये लिंचेड को जा रहा है, ऊपर फिर हम जाएंगे ले को, और ये रास्ता जा रहा है जंस्कार पदुम को। तो बहुत ही भाई खड़ी चढ़ाई है और आगे जाके एक टी पॉइंट आ जाता है, उससे आपको राइट को जाना है पदुम के लिए। लेफ्ट को जाओगे तो आगे डेड एंड आ जाएगा, हम अभी चले गए थे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आते समय आपको लेफ्ट में जाना है और जंस्कार पदुम को जाते समय राइट को जाना है, टी पॉइंट आगे उतर के बिल्कुल ये उतर के। बस अब 5 मिनट रेस्ट करके चलेंगे, सांस फूल रही है यहाँ पे।